सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो रिंग थ्योरी है उसको कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स किए रिंग्स के, उसमें सीखे नीलपोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं, आइडमपोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी रिंग में, फिर जीरो डिवाइजर हम लोग सीखे थे, फिर इंटीग्रल डोमेन सीखे हम लोग। सो आज कंटिन्यू करते हैं अपना जो रिंग थ्योरी पे जो लेक्चर्स है उस पर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और आज जो सीखेंगे हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डिफिनीशंस हैं, दो डिफिनीशंस हैं, डिवीजन रिंग्स और फील्ड्स। ठीक है, दोनों को मैंने बोर्ड पे आप देखेंगे डिफाइन किया है, बहुत छोटे मैंने डिफाइन किया, बहुत डिटेल में मैं मैथमेटिकली लिख के नहीं, मैं आपको बिल्कुल बस लैंग्वेज लिखा हूँ सिंपल सा, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हैं रिंग्स क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन्स क्या होते हैं। सो डिवीजन रिंग की अगर बात करूँ, डिवीजन रिंग क्या होते हैं, सो सिंपली किसी भी रिंग में अगर मैं बात बोलता हूँ, किसी भी रिंग की बात करता हूँ, उसको डिवीजन रिंग कब बोलेंगे। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको याद हो, सो रिंग के डिफिनीशन में क्या क्या था, अगर आप देखें, मैं बोलता हूं R प्लस डॉट, ठीक है, ये एक रिंग है कब, अगर R प्लस एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता था, R डॉट सेमी ग्रुप फॉर्म करता था, और मल्टीप्लिकेशन क्या था, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव था। सो डिवीजन रिंग और फील्ड दोनों की बात करूं, तो इस रिंग पे जो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इसी पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसी से वही से क्या आता है, डिवीजन रिंग्स आते हैं या फील्ड्स आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर डिवीजन रिंग की बात करता हूं, तो डिवीजन रिंग क्या होता है, अभी डिफिनेशन कर रहे थे, अगर कोई भी रिंग दिया हुआ है उसमें ये वाला सेमी ग्रुप हुआ करता था ना, आर डॉट जो है क्या हुआ करता था, सेमी ग्रुप हुआ करता था। सो अगर ये ग्रुप फॉर्म कर जाए कब, मैं क्या बोल रहा हूं, आर स्टार मतलब क्या होता है, जो रिंग है ना इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, ये जीरो एलिमेंट में क्या कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस रिंग से मैं क्या कर रहा हूं, जीरो एलिमेंट जो है ना, जीरो जिसको आप बोलते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी, उसको अगर मैं हटा दे रहा हूं, तो ये आर स्टार जो होता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या कर जाए, ग्रुप फॉर्म कर जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कंडीशन जब आ जाता है तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन रिंग। सिंपली मैंने डिफाइन किया हुआ है, अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ डिवीजन रिंग, और इसके दो नाम है, डिवीजन रिंग भी बोलते हो, समटाइम्स आप क्या बोलते हो, स्क्यू फील्ड भी बोलते हो। तो डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड अगर आर स्टार डॉट जो होता है ना, एक ग्रुप फॉर्म कर देता है। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या हुआ, मैथमेटिकली अगर कंडीशन लिखना चाहूं, सो इसका मतलब ये हो गया कि डिवीजन रिंग में R प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, और R स्टार क्या हो गया, जीरो निकाल दिया ना, सो R स्टार मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए, केवल सिंपल ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन के ऊपर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। सो ऐसे रिंग को फिर हम क्या बोलते हैं, डिवीजन रिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। उसी तरीके से फील्ड की बात करता हूं, सो वो डिवीजन रिंग यहां पे देखिएगा, केवल इसको सिंपल सा ग्रुप फॉर्म करना है ना, लेकिन अगर ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, आर स्टार में कॉमोडेटिव हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये वाली जो ग्रुप है ना, ये क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। सो ये सिंपल सा कंडीशन है। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, देखिए सिंपल लैंग्वेज में, अ कमोटेटिव डिवीजन रिंग आर इज कॉल्ड अ फील्ड। सिंपल सी बात है, ये जो आर स्टार डॉट है ना, इसी को क्या कर जाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाना चाहिए। सो ऐसे रिंग को हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। सो ये डिफिनेशन बहुत आसान है, इस पे बहुत स्ट्रेस नहीं दूंगा मैं, आता हूं एग्जांपल्स। मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको सीखना है, एग्जांपल के थ्रू ही आप इसको आप कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में बैठ सकता है, और चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट ही मेन होते हैं। सो
एक बार डिफिनेशन को रिकॉल करके फिर जो है मैं आपको आगे जो एग्जांपल्स करता हूँ। सो रिंग के रिंग हम लोग सीखे। सो कोई भी रिंग को इंटीग्रल डोमेन कब बोलते हो आप, जब उसके पास उस रिंग के पास कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन रिंग कब बोलोगे उस रिंग को, अगर जो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आर डॉट हम लिया करते थे रिंग में ना, तो आर स्टार डॉट मतलब आर में से मैं जीरो हटा दिया तो ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर जाए, और यही ग्रुप आर स्टार डॉट अगर अबेलियन ग्रुप हो जाता है तो वो रिंग क्या हो जाती है, फील्ड हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस डेफिनेशन को आप जो कॉन्सेप्ट पे रखते हुए मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं। सो अब वन बाय वन कुछ इजी एग्जांपल्स करेंगे जो आप बार बार यूज करते हैं, तो एग्जांपल की बात करता हूं मैं, ठीक है। सो कंसीडर द रिंग, कंसीडर द रिंग, मैं आपको बोलता हूं जेड प्लस डॉट, ठीक है। मैंने ये रिंग लिया Z प्लस डॉट, ठीक है ना। सो अब इसकी बात करता हूं तो देखिए हम लोग किए थे ये इंटीग्रल डोमेन, क्या इंटीग्रल डोमेन होता है ना, ये इंटीग्रल डोमेन होता है। अब आते हैं फील्ड्स की बात करें या डिविजन रिंग की बात करें, तो R स्टार की बात करनी है हमें। सो चलिए देन देन ये जो Z प्लस डॉट है ना फ्रेंड्स, ठीक है, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। ये इंटीग्रल डोमेन होता है, ये हम लोग कर चुके हैं, इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता है। सो ये इंटीग्रल डोमेन है, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं जेड होता क्या है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो अब अगर इसको मुझे दिखाना है कि ये डिविजन रिंग होगा, ठीक है, या फील्ड की भी बात करें तो फील्ड भी जब भी बात करते हैं आप पहले डिविजन रिंग चेक करेंगे, आर स्टार डॉट जो है ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, उसके बाद अगर वो कम्यूटेटिव हो जाता है तो वो फील्ड हो जाएगा। तो चूंकि मल्टीप्लीकेशन जो है इंटीजर्स में क्या होता है, कम्यूटेटिव है, तो हमें चेक क्या करना है, फील्ड भी अगर चेक करना है तो हम चेक क्या करेंगे, डिविजन रिंग। और डिविजन रिंग मतलब क्या हुआ कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो हुआ ना उसी को क्या करना चाहिए, उसका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स मिलना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो आर स्टार डॉट जो है आपका ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, सो वो डिविजन रिंग हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे अगर इसको दिखाना है कि ये डिविजन रिंग है तो क्या दिखाना होगा फ्रेंड्स, कि जेड स्टार जो होगा ना, जीरो हटा देता हूं तो सेट ऑफ सारे नॉन जीरो जो इंटीजर्स है ना उनको जो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। सो अब आते हैं फॉर, ठीक है, जेड स्टार, जेड स्टार क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूं जीरो हटा देना है मुझे ना, ये होता क्या है, जेड में से जीरो हटा देना है मुझे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, यही क्या है, जेड में से जो है मैं केवल जीरो को हटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बात बोलता हूं इसको ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, सो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना, जेड स्टार डॉट क्या करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टी बार बार हम चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होता ही है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये, क्योंकि ये सेमी ग्रुप फॉर्म करता है ना, ये तो रिंग है तो सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। सो हमें चेक क्या करना है, आइडेंटिटी और इनवर्स की बात करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी देखेंगे, सो कौन सा एलिमेंट होगा इसमें, जिस एलिमेंट से जो है आप किसी भी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, तो मुझे पता है वन होगा ना, सो आइडेंटिटी तो वन हो गया, दैट मींस क्या हुआ, इस रिंग की यूनिटी जिसकी बात करते हैं ना, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी उसी को क्या बोलते हैं, यूनिटी, वो क्या है, वन हो गया। अब बात करते हैं इनवर्स की, सो फॉर इनवर्स सो आप देखिए कोई भी अगर मैं लेता हूं ए बिलोंग्स टू जेड स्टार, मैं कोई भी नंबर लेता हूं नॉन जीरो इसमें से, ठीक है ना, सो उसकी अगर बात करता हूं तो आइडेंटिटी को छोड़ देता हूं, मैं आइडेंटिटी ऐसे में लिखता हूं, मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं ए और इसको जो है यूनिटी के अलावा, ठीक है ना, यूनिटी के अलावा मैं ले रहा हूं जेड स्टार का एलिमेंट, तो देखिए इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन बाई ए होगा ना, तभी तो यह आएगा वन यूनिटी एलिमेंट। सो दैट मीन्स क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल समझिए आपने टू लिया यहां से, ठीक है, जेड स्टार का एलिमेंट, तो टू में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिटी वन आ जाएगा, ये वन बाई टू हो गया, और ये तो इंटीजर नहीं है ना फ्रेंड्स, ये तो इंटीजर नहीं है ना, सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वन के अलावा कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं, वन और माइनस वन, बेसिकली वन और माइनस वन के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूं तो उसके अगर इनवर्स की बात करता हूं तो वो क्या हो जाता है
उसका इन्वर्स फ्रैक्शन में आता है, देखिए फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो है कोई भी अगर प्लस माइनस वन के अलावा कोई भी अगर नॉन जीरो इंटीजर ले रहा हो तो उसका इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। माइनस वन का इन्वर्स तो सेल्फ हो जाएगा ना, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। सो आइडेंटिटी आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस वन के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हैं ना तो उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये जेड स्टार डॉट जो है ग्रुप फॉर्म नहीं करता है ना। सो जेड स्टार डॉट इज नॉट अ ग्रुप। अब ये ग्रुप नहीं हुआ, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड जेड प्लस डॉट इज नॉट अ डिविजन रिंग, नॉट अ डिविजन रिंग, ये डिविजन रिंग नहीं होगा, ठीक है। अब डिविजनिंग नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया, ये फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया। अब आते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल है जिसको मैं बोलता हूं ना रिंग की, जेड एम, या आप ऐसे बोलिए जेड एन, जेड एन प्लस और जो मल्टीप्लीकेशन है मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये जो रिंग है ये क्या डिविजन रिंग होती है हर केस में, तो आप देखेंगे, आप वेरीफाई करके देखिएगा, वो नहीं होता है तो उसको मैं करूंगा। फिलहाल जो इस एग्जांपल को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, बहुत फंडामेंटल एग्जांपल है, ठीक है, बहुत फंडामेंटल एग्जांपल है, उस केस में आप इसको कर सकते हैं। सो इसको मैं इरेज करूंगा, फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और लिख लें। तो आई होप फ्रेंड आपने लिख लिया। सो अब मैं आता हूं, जरा कॉन्सेप्चुअली एग्जांपल, consider the ring, Zn plus dot लेंगे हम लोग। So consider the ring, मैं आपको आसान करने के लिए मैं ये ले लेता हूं, ठीक है ना, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं। अब आपसे पूछता हूं क्या ये फील्ड होगा, या फिर मैं फील्ड की बात, चलिए मैं फील्ड से ही पूछता हूं, तो इज जेड फोर अ फील्ड। तो आपको फील्ड भी चेक करना है तो मैं आपको पहले ही बोला था, अगर आपको फील्ड भी चेक करना है तो आप चेक क्या करेंगे, यही करेंगे कि क्या ये डिविजन रिंग है। सो डिविजन रिंग की बात करते हैं, तो J प्लस ये सारी चीजें हम चेक कर चुके हैं, एबेलियन ग्रुप होता है, हमें बस मल्टीप्लीकेशन की बात करना है। सो मल्टीप्लीकेशन की अगर बात करना है फ्रेंड्स, सो Z4 स्टार क्या होगा, जीरो हटा देंगे आप Z4 में से, वन और टू और थ्री हो गया ना। तो चलिए अब इसको मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो होगा आपका ग्रुप होगा। सो यहां पर ध्यान दीजिए आप, यहां पे जो अगर ग्रुप की बात करते हैं हम, सो सिंपल सी बात है, हर एक एलिमेंट का क्या आना चाहिए, इनवर्स आना चाहिए था ना। तो यहां पे जरा चेक करने की कोशिश करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप चेक करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फोर की बात करते हैं, सो वन टू थ्री, यही थ्री एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स। अब आता हूं मैं यहां पे वन टू थ्री, सो वन का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, टू का वन से करेंगे टू आ गया, टू का टू के साथ करेंगे क्या आ जाएगा फोर, और मॉडुलो कैलकुलेशन करेंगे आ गया जीरो। और देखिए क्या जेड फोर स्टार में जीरो है, नहीं है ना, जेड फोर स्टार में नहीं है ना ये। सो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करती मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। सो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा जेड फोर प्लस फोर मल्टीप्लीकेशन फोर इज नॉट अ डिविजन रिंग। और ये अगर डिविजन रिंग नहीं हुआ फ्रेंड्स, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ फील्ड, ये क्या हो जाएगा, ये फील्ड भी नहीं होना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स, ये फील्ड भी नहीं होगा। तो आई होप ये मैं कॉन्सेप्ट समझा पाया आपको। सो एक दो एग्जांपल मैंने किया यहाँ पे, जो फील्ड की बात करते हैं या डिविजन रिंग की बात करते हैं। अब आते हैं जो फील्ड्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल जो फील्ड के होंगे। सो आपको मैं एग्जांपल ले देता हूँ, आप वेरीफाई करिएगा, क्यूब प्लस डॉट की बात करें ये रिंग, इसमें देखिएगा ये सारे नॉन जीरो रेशनल नंबर्स जो होते हैं ना मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ये एबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो ये सारे फील्ड्स होंगे, ये फील्ड होगा, ठीक है, आर प्लस डॉट ये भी फील्ड होगा, ठीक है, सी प्लस डॉट
कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी फील्ड होगा। सो ये सारे फील्ड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो अब आते हैं जो मेरा मेन जो मतलब बताने का जो एग्जांपल्स कर रहा हूँ, जो बताने का मेन जो मोटिव था इस वाले रिंग का ZN पे। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो डिविजन रिंग ही नहीं फॉर्म करता है, मतलब ये तो फील्ड भी नहीं हुआ। सो क्या ये कभी फील्ड नहीं होगा? क्या ये कभी फील्ड नहीं होगा? सो आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात आती है, ये डिपेंड करता है, ये फील्ड होता है लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? ये जो नंबर n मैं ले रहा हूं ना, जेड एन में, अगर ये जो नंबर मैं n ले रहा हूं इसी पे डिपेंड करता है। अगर इस n को मैं प्राइम नंबर ले लेता हूं, जैसे आप मान लीजिए जेड टू, जेड थ्री, जेड फाइव, जेड सेवन, तो आप देखते हैं कि ये क्या हो जाता है? फील्ड हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। ये क्या हो जाता है? फील्ड हो जाता है। सो इसको चेक करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में, इसको मैं वेरीफाई करके फिर कुछ रिलेशंस बताऊंगा आपको, जो फील्ड, डिवीजन रिंग, आपका इंटीग्रल डोमेन और रिंग्स के बीच में क्या एक रिलेशन बनता है। सो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये सिंपल सा डेफिनेशन था, कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, ये ऑलरेडी अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, इसको आपको एज अ काउंटर एग्जांपल हम यूज करते हैं, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको बोला ना प्राइम नंबर, उसको लेके वेरीफाई करूंगा। सो उसके बाद फिर जो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर से अपने, डिफाइन करेंगे किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। सो अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और वहां पे जो बेल आइकन आता है उसको प्लीज आप क्लिक करें। सो आई होप फ्रेंड्स ये फील्ड का जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ एग्जांपल्स हमने किए, वो आपको समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच।